الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل لقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب يسر ولا تؤسر وتمين بالخير آج هم لسن نمبر 31 پڑھ

आइए पहले इसकी इसकी हिवार का पूरी छोटी सी डिस्कशन ये कन्वर्सेशन है पहले इसको पढ़ते हैं अल मुदरिस आइना الطالبان الجديدان दो नए स्टूडेंट्स अल الطالبان الجديدان क्योंकि पिछले लेसन में आपने तस्निया को पढ़ा था तो इसमें आप इस तस्निया की सिफत भी पढ़ रहे हैं इस लेसन का, का जो क्रकस है वो है मौसूफ सिफत या मनूत नत वो आप इनशाला आगे देखें तो क्वेश्चन में भी मैं यहाँ हिवार में भी इसको ये करूँगा वाजह करता जाऊँगा तो यहाँ भी देखिए तालिबान जदीदानी तालिबानी मौसूफ अलजदीदान सिफत दो नए स्टूडेंट्स वो कहाँ हैं अली हुमा फिल्मक तबत हम वो दो फिल्मक तबत इन द लाइब्रेरी दे आर इन द लाइब्रेरी जहाबा जहाबा वो दोनों चले गए लिया खुदा, ताकि वो ले लें

वो दो गए, वो दो गए, ठीक है, खाराजा, वो एक निकला, खाराजा, वो दो निकले, अकाला, उस एक ने खाया, अकाला, उन दो ने खाया, इसी तरह आप देखेंगे, अली, जहां बा, फिलहाल साथी अस्थानियती, सेकंड क्लास में, सेकंड पीरियड में, दूसरे हिस्से में जो वो गए हैं वहां जब मुदरस ने यह पूछा कि मता तो अली ने कहा पीरियड में वो यानी सेकंड क्लास में वो वहां गए हैं फिर ज़रा वक्फ़ा करते हैं, अली फिर कहते हैं या सर, उरीद है। मैं खरीदना चाहता हूँ अरबिकरी एक, एक अरबी अरबिक, जबान की एक डिक्शनरी खरीदना चाहता हूँ उरीद तदुल्लि मैं चाहता हूं कि आप मुझे दलालत करें आप मुझे बत रहनुमाई करें अलामोजिन जय दिन एक अच्छी डिक्शनरी पर ठीक है यहां आप देखिए अगर आप इसमें देखेंगे अलकुतुबा अलमुकर था यह भी मौसू सिफत है अलहिस्सा था आसानिया भी मौसू सिफत है मुजमिन जदी जय ये भी मौसू सारी मौसू सिफत की मिसालें है इस तरह

आज हम दो सफे में दूसरे के पढ़ रहे हैं आखिरी दो सफे तो मैंने पहले ये बता दिया था कि यह लेसन बहुत छोटा है आप इसको इनशाला बीस मिनट में कंप्लीट करेंगे आखिरी दो सफे इस किताब के पढ़ने हैं आपको ठीक है यहाँ पे इसने हिवार का पोर्शन खत्म कर दिया तो जो पॉइंट आपको सिखाना चाहता है ग्रामर के जो निकात तो आपको सिखाना चाहता है उसमें एक ही पॉइंट है कि मौसू सिफत क्या है भाई मौसू सिफत के बारे में आप जो जानते हैं कभी एक चीज सीखी कभी दूसरी चीज तो आज आप इसको होलसेल में पढ़ रहे हैं तो आइए अब तमरीन पे जाएंगे पहला क्वेश्चन हम हज भी छोड़ रहे हैं तो आप दूसरे क्वेश्चन पर आए हिंदी क्वेश्चन नंबर टू इंदी मोजैम जयद ये कहते हैं ऑथर कहते हैं मोजैम जयद जय्येद। होना जयद नातुन जयद जो यहाँ है इस इस सेंटेंस में ये नात है यानी सिफत है किसकी मोजैम की ये मोजैम की, की सिफत है ये मोजैम की क्या है सिफत है अन्नातु ये सिफत जो होती है या तो ये अपने मौसू को फॉलो करती है फिल उमूर अत्तालिया इन उमूर में इन मसाइल में मैं ये चार में अपने को फॉलो करती है यानी जैसा मौसू होगा वैसी सिफत होगी चार चीजों में देखिए क्या क्या है नंबर एक फिलब अराद में यानी अगर मौसू मरफू है तो सिफत भी मरफूह होगी अगर मौसू मनसूब है तो सिफत भी मनसूख और अगर मौसु मजरूर है तो सिफत भी मजरूर होगी जैसे यहाँ किताबन किताबन खबर ये मौसू ये 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 जो है मरफूह है क्योंकि मरफूह होने की वजह से जब इसकी सिफत लाई गई तो ये भी मरफू है अब यहाँ देखिए दूसरा संडे करो तो मैंने पढ़ा फेल प्लस फाइल किताबन मफूल बि मफूल भी منصوب होता है जब इसकी सिफत लाई गई जदीदन तो ये भी लाई गई दो ज़बर के साथ तो किताबन करा तो किताबन तीसरे सेंटेंस को जरा देखिए हाजस्मु हाजस्मु किताबन जदीदन यानी हादा मुब्तदा इसमु इसकी खबर है ये है इसमु नाम फिर है किताबन एक नई किताबिन एक किताब का इसम तो का सिफत जब लाया गया तो वो भी लाया गया मजरूर वो भी सिफत भी लाई गई क्या मजरूर ठीक है ना ये वर्ड भी मजरूर आया जो बतौरी सिफत यहाँ इस्तेमाल हुआ है नंबर टू तरस यानी एक तो ऐरब में ये सिफत जो है मौसू के मुताबिक होगी दूसरा मुजक्र मोहनस में यानी अगर आपको मुजक्कर की सिफत लानी है तो मुजक्कर लाएंगे मौसु मोनस की सिफत लानी है तो मोनस लाएंगे जैसे देखिए अहमदो अहमद लहू उसका है मुजक्र तो कबीर मुजक्कर आ गया विन तगी बिन तोनस तो सिफत भी मोनस आ गई समझ रहे हैं ना शबा नंबर थ्री अल इफ्राद वह तसनीतो वाल जमु जो ये तजकि इसके बारे में एक पॉइंट और भी याद नोट कीजिए वो है कि आ, कभी कभार क्या होता है कि गैर आकिल की जमा होती है मिसाब मैं कहूँगा अब अब आपने यहाँ पीछे पड़ा मैं थोड़ा एक मिनट के लिए पीछे जाऊँगा आपने यहाँ पढ़ा अलकुतुब करता है कुतुब गैर आकिल की जमा है तो गैर आकिल भी की जमा भी तो वाहि के बराबर होती है ना गैर आकिल की जमा टू वाहिद मोनस तो इसलिए मोनस की सिफत ही लाई इसके लिए मोनस की सिफत लाई गई ठीक है एक तो ये है। हिस्सा तो मोनस है ही तो सानिया भी मोनस लाया गया ठीक है लेकिन यहाँ भी ये भी याद रखिए कि गैर गैर आकिल की जमा भी वाहिद मोनस के बराबर होती है तो इसलिए उसकी सिफत भी वाहिद मोनस के बराबर ही लाई गई

तो इसलिए सिफत भी आ गई है ही इसके साथ साथ जरा तीन पॉइंट्स पे नोट कीजिए मुदिर चूंकि ऐरब के हवाले से मरफू है तो इसकी शिफत भी पेश वाली आ गई मुदीर चूंकि मुजक्कर है तो इसकी सिफत भी मुजक्कर आ गई मुदीर वाहिद है तो इसकी सिफत भी वाहिद ही आई अब यहाँ एक तीनों पॉइंट याद रखी वो मुदरसानी जयदानी दो मदरस तो दो अच्छे अच्छे मदरस दो अच्छे अच्छे मदरस दो अच्छे अच्छे टीचर्स ये तसनिया व भी तस्नी वज़ुमाला माला ओ मुझ ना जो मालाओ पुलूरल तो सिफत भी पुलूरल आ गए

जैसे दी सैारत मेरे पास एक गाड़ी है सैारत चूंकि इसमें ना किराए तो सिफत भी आ गई जदत लेकिन अगर हम कहेंगे असैारतो तो फिर कहना पड़ेगा अलजदतो नई गाड़ी गालियतुन कीमती है असैारतो अल जदीदतो ये मौसूफ सिफत बन गया यहाँ भी खास यहां भी खास यहां भी मारिफा यहाँ मारिफा बे इफ्लाम यहां भी मारिफा बेल्फनाम अब तीसरा पॉइंट देखिए आई नोहम्मद मोहम्मद कहाँ है कौन सा मोहम्मद अलियाबानियो जापानीज क्योंकि मोहम्मद प्रॉपर नाम है तो जब हम इसकी सिफत लाएंगे तो वो भी प्रॉपर बनानी पड़ेगी ना तो हम डेफिनेट बनाते हैं इल्फ़ाम के जरिए से हमने लिखा अलियाबानियो नंबर फोर है दफ्तर अल अव्वल दफ्तर का आपकी कापी जब कोई इसमें नकिरा किसी खास यानी इसकी तरफ जमीर या इसम की तरफ मुजाफ होकर इस्तेमाल होता है तो क्या होता है वो भी खास बन जाता है भाई जब वो खास बन गया तो आप उसकी सिफत भी खास ही लानी पड़ेगी ना तो इसलिए आ गया अल अपनी पहली कापी ला अपनी पहली नोटबुक ला ठीक है तो ये चार चीजें याद रखे इन चार चीजों का ही के ही आपको दो क्वेश्चन है हमारे पास इनको समझने की कोशिश कीजिए कहते हैं आयिन पॉइंट आउट करो अन्नाथ वाल मनूत नाथ मनूत कहाँ कहाँ है फी कुल मिसाल मैत इन सारी मिसालों में से जहां जहां भी मौसूफ सिफत की कंस्ट्रक्शन है मौसूफ सिफत की तरकीब है उसको जरा पॉइंट आउट करो हाईलाइट करो नंबर वन उरी दो एन अशरबा मा अन बारिदन मैं ठंडा पानी पीना चाहता हूँ उरी दो एन अशरबा मा ठीक है उरी दो है अन हरफ अशरबा फैल है तो अभी हम मा बारिदन मौसू सिफत है मा मासूफ बारिदन इसकी सिफत है अशरबा फैल प्लस फायल मा मफूल भी ही होने की वजह से मनसूब है तो इसकी सिफत भी मनसूब लानी पड़ी नंबर टू अकुर मैं पढ़ता हूँ मौसू सिफत ये सॉरी प्लस अल मफूल अल करीमा ये इसकी सिफत है

शाबाश। बाई तिन जमीलिन बाईतिन जमीलिन मौसू सिफत एक खूबसूरत घर में रहता हूं कि बाईन जमीलिन आप समझ रहे हैं ना शबाश बान देखिये अब <coughs> बाइत इसमें नकरा है तो सिपत भी नकर आ गई बायत वाहिद है तो ये भी वाहिद आ गया बायत मुजक्कर है तो सिपत भी मुजक्कर आ गई बाइत के नीचे दो जेर है दो कसरा है तो यहाँ भी दो आ

यहाँ कलम के नीचे जीर आ गई तो अल अहमर के नीचे जो है इसके नीचे जीर आएगी ठीक है लेकिन इसके साथ साथ ये भी याद रखना पड़ेगा क्या कि अल अल अहमर जो है ये क्या है ये 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 ममनु मिन सरफ है तो हमें इस ममनू मिन सरफ के बारे में जरा ये क्या नाम है इसको इसको जरा देखना चाहिए कि क्या इस, इसमें भी ये आएगा यानी इसके नीचे भी जेर आएगी या नहीं आएगी हाँ तो नंबर फाइव देखिए हमारे मोहल्ले में मस्जिद कबीरुन कबीर कबीर हमारे गाँव में बड़ी मस्जिद बड़ी मस्जिद है हमारे गाँव में एक बड़ी मस्जिद है हमारे गाँव में एक बड़ी मस्जिद है तो लहू उस के है, मस्जिद के मस्जिद ये देखो मस्जिद मौसू से पद मस्जिद भी पेश वाली कबीर भी पेश मस्जिद के लिए इसमें कबीर ठीक है मरफू लहू लहु मीनारे दो मीनारे हैं ये भी तस्ने ये भी तस्नी ये भी विदाउट इफ्म ये भी विदाउट ये भी मोहनस ये, ये भी मोहनस इसी तरह ये भी ये मरफू तो ये भी मरफू नंबर सिक्स अनसूना जा कहा हैल अल जो नए इस कहाँ है यहाँ पलूरल आ गया अलमुदरसून तो जुदुत भी आ गया जदीद की जमा आ गई आ गई जदीद की जमा प्लुरल आ गई शाबाश नंबर सिक्स नंबर सेवन देखिये हफिज तो मैंने हिफज किया सूरत सूरत दो सूरत फिर आ गया इसकी सिफत तवील दो लंबी लंबी सूरत है मैंने हिफज Eight, रिजालुन रिजालुन, प्लूरल, से, तरह होने की वजह से खास हो गया मारिफा बन गया तो असगगी इसकी सिफ लाई गई अदरवाइज हम सगीर लाते नंबर टेन का अहमदो अलबाकिस्तानी अहमद पाकिस्तानी जो पाकिस्तानी है उसने क्या कहा आपको उसको आपने आपने उसको क्या कहा क्वेश्चन नंबर फोर है अक्मिल कुलल जमलात हर जुमले को कंप्लीट करो मिम्म, मिम्मा मिम्मा याती जो आ रहे हैं इन इन इन, 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 इन द फॉलोइंग बिनातिन मुनासिब एक मुनासिब नाطلع इन चार्जिस को ख्याल में रखते हुए वाजिब वाजिब तो बेशक्ल और उसको उसकी उसके आखिर पे जे ये यानी और रफा नासब और 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 जार डालते हुए नंबर 1 अकल तो मैंने खाया तो आमन गीदा को तो मैं लजीजन लजीजन लजीज खाना खाया मैंने इसकी सिफत मैं मैंने के लाया तो मैंने लजीजन के बगैर लाया ये तो दो जबर के वाला है तो मैंने भी दो जबर वाला लाया तमाम मुजक्कर है तो मैंने भी मदी का मुजक्कर लाया तामन जो है क्या नाम है वाहिद है तो मैंने भी वाहिद लाया

न एक तौलब इलम कहा है आप अगर मुझे ये कहना है कि फॉर एग्जाम्पल जापानी स्टूडेंट्स कहा है तो मैं कहूंगा आइना तुल्लाबो अलियाबानी यूना जापानी स्टूडेंट अलियाबानी जापानी स्टूडेंट कहा है यानी वो भी प्लूरल ये भी प्लूरल ठीक है वो भी एल्फलाम वाला ये भी एल्फलाम वाला वो भी पेश वाला ये भी पेश वाला वो भी प्लूरल ये भी प्लूरल इसी तरह तीसरा देखिए ली अखवान मेरे दो भाई हैं फिर मैं लिखूंगा कबीरा बड़े मेरे दो बड़े भाई हैं वह उक्तान और दो बहने सगीरता छोटी दो छोटी सिस्टर्स हैं दो छोटी बहनें नंबर फोर इश्तरा तो मैंने खरीदा कलम दो कलम को कलम दो कलम को जदीद दो नए कलमों को दो नए कलमों या गाली ने दो कीमती कलमों को या रखी सही ने दो सस्ते कलमों को वगैरह नंबर फाइव इन दी सातुन मेरे पास एक घड़ी है सात मोनस है ना तो मैं कहूँगा समीन तुन यानी कीमती घड़ी है महंगी घड़ी है मेरे पास जमीला तुन खूबसूरत घड़ी है मेरे पास खूबसूरत घड़ी है मेरे पास याबानियत जापानीज घड़ी है मेरे पास ठीक है हिंदी इंडियन घड़ी है मेरे पास तो इस तरह आप इसके मोनस से ला सकते हैं इल्म के बगैर नंबर सिक्स फिल्फास क्लास रूम में है मकातीबो डेस्कस स्टूडेंट्स के डेस्क जो होते हैं मकातीबो टेबल्स ये तो जमा गैर वाकिल है तो वाहिद मोनस के बराबर तो मैं सिफत लाऊंगा वाहिद मोनस मैं कहूंगा फिलफासले क्लास रूम में है मकातीबो कबीर बड़े बड़े मेज है सगी छोटे छोटे मेज है जमी खूबसूरत मेज है ठीक है अच्छा वगैरह वगैरह नंबर सेवन तिल का सारे नए उस भी मैंने जदीदा तो इस्तेमाल किया यहाँ भी मैंने लेकिन यहाँ में सारोनस तो था तो मैंने जदीदो तो मोनस लिखा यहाँ मुदरिस मुजक्कर है तो मैंने इसको मुजक्कर यहाँ लिखा नंबर एट असकुनो फिल महजे मैं रहता हूँ अल महजे हॉस्टल में अल कदीम पुराने हॉस्टल में अल कदीम पुराने हॉस्टल में अल बईद दूर वाले हॉस्टल में है असामिनी आठवें हॉस्टल में यहाँ खबर वो आएगी ना इसकी सिफत असानी दूसरे हॉस्टल में ठीक है नंबर नाइन आई ना सैया और आपकी गाड़ी कहाँ है सियारतों तो का आपकी गाड़ी हो सकता है आपके पास दो गाड़ियां तो मैं कहूँगा सैरतों तो का तो, नई गाड़ी कहाँ है आपकी कदीमतो अलकदिया चूंकि सियाफ है का की तरफ तो ये खास हो गया इसलिए मुझे लिखना पड़ेगा अल अलकदीमतो या अल तो या अल अलबानियतो आपकी जापानीज गाड़ी कहाँ अल अमरीकीत हो आपकी अमेरिकन गाड़ी कहाँ वगैरह वगैरह जो आप लिखना चाहें नंबर टेन इब्राहिम इब्राहिम डैश 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 ठीक है हम कहेंगे इब्राहिमी यु अमेरिकन इब्राहिम यानी जो अमेरिका का रहने वाला है वो क्या है इब्राहिमीबी मेहनती है तालिबी मेहनती है ठीक है ये सॉरी मेहनती नहीं काबिल इंटेलिजेंट तालबल है इब्राहिमो अल अमरीकी अमेरिकी इब्राहिम तालिब्ल ट बल इंटेलिजेंट से आपका जो है भाई ये किताब जो है और ये आज का लेसन जो है इसी से कंप्लीट हो रहा है मैंने कहा था कि आप 20 मिनट में आप इसको इनशा कंप्लीट करेंगे एक दो मिनट एक्स्ट्रा हो गए तो सिर्फ यही चार चीजें आप याद रखिये कि मौसू सिफत के बारे में जो आपने पढ़ी की सिफत अपने मौसू के मुताबिक होती है नंबर वनब में नंबर टू तस्करो तानीस में यानी मुजक्रमानस में नंबर थ्री आदत में यानी वाहिद में तस्निया जमा में और नंबर चार तारीफीर में यानी अगर वो मारफा होगा तो ये भी मारफा होगी अगर वो ना है तो ये भी मनकर है तो मैं आज के लेक्चर को यहीं पर ख़त्म करता हूँ इन शह तुक नंबर थ्री में फिर मिलेंगे तब तक के लिए खुदाफ़ असल वरहमत ला